अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बिलाल एंड वेलकम टू बैक बिलाल ब्लॉगर चैनल। हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने स्क्रैच लेवल से एक एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट की है और जिसमें तमाम तर चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आर्टिकल इंट्रोडक्शन के हवाले से और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के हवाले से। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली तौर पर खुर्रम साहब आपको राइट करके दिखाएंगे कि किस तरह की जो डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट के हवाले से वो होनी चाहिए और कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखकर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं और उसमें किस तरह आप कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पर लेकर चलें और आपको प्रैक्टिकली तौर पर करके दिखाएँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके और उसको आप इम्प्लीमेंट भी अपनी वेबसाइट के लिए कर सकें। तो इसके हवाले से इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मज़ीद हमारी वीडियोज़ होंगी हम उनको भी इसी तरह जो है ना प्रैक्टिकली तौर पर कराने की दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि इजीली आप पूरा एक प्रोसेस समझ सकें कि किस तरह एफिलिएट वेबसाइट को ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया जाए और $1 जनरेट होने तक उस पर कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो भी इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तो इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और दूसरा ये है कि इस चैनल पे तमाम जो हमारा कंटेंट है हमारी कोशिश है कि जैसा कि लोग पेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं हम तमाम तर वो कंटेंट फ्री में आपको डिलीवर कर सकें। लेट्स गो टू द स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने अपनी अमेज़न आर्टिकल के लिए इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, उसके बाद मैंने आपको तीन डिफरेंट किस्म की इंट्रोडक्शन लाइव लिख के दिखाई थी। तो जो आज की वीडियो है जिसमें काफ़ी लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे कि हमने अपने अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाऊँगा अपने एक प्रोडक्ट के लिए, जिसके लिए हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में कंटेंट भी रिसर्च किया था पैनासोनिक फ्लैश टोस्टर एक्सप्रेस ओवन के लिए। तो उसमें मैंने कहा वो फाइव डिफरेंट स्टेप्स बताए थे कि कैसे आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसके लिए कंटेंट कैसे सर्च करना है। उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट का अपना पेज है वहाँ से आप कंटेंट ले उठा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो सिंगल प्रोडक्ट रिव्यूज़ होते हैं वहाँ से आप पॉइंट्स उठा सकते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ पे यूट्यूब पर रिव्यूज़ होते हैं वहाँ से आप पॉइंट उठा सकते हैं। फिर आप अपने कंपिटिटर के जो आर्टिकल्स होते हैं वहाँ से आप कंटेंट सर्च कर सकते हैं और आप जो मैन्युफैक्चरर का अपना पेज होता है प्रोडक्ट का वहाँ से आप काफ़ी अच्छे पॉइंट और कंटेंट उठा सकते हैं अपनी अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे लिखनी है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं आप चंद बातें बता दूं कि आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो हमारे राइटर करते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हुए वो उसको एक एडवर्टीजमेंट बता देते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को, उसमें सिर्फ उसके फीचर्स मेंशन करते हैं उसके साथ वो बड़े बड़े एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं जैसे एक्सीलेंट फैबुलस फंटास्टिक। तो आपने ये मिस्टेक नहीं दोहरानी, आपने जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसे एज ए न्यूट्रल राइटर या एज ए न्यूट्रल यूज़र हो के आपने लिखना है। आपने उसके फीचर्स भी बयान करने हैं, आपने उसके एडवांटेज तो बयान करने हैं लेकिन साथ ही आपने उसके अगर डिसएडवांटेजेस भी बयान करने हैं। अगर कोई डिसएडवांटेज आपको नज़र आता है आपके ओपिनियन में इस प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रॉब्लम है तो वो भी आपने मैंशन करनी है। इस तरह आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो मोर नेचुरल लगती है, मोर रियल लगती है और मोर ऐसे लगता है कि उसको एक रियल राइटर ने लिखा है, किसी मशीन ने नहीं लिखा। अब काफ़ी लोग जो हैं वो एआई राइटर्स के बारे में पूछते हैं कि एआई राइटर से हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें। काफ़ी लोग लिख भी रहे हैं एआई, जैसे जार्विस काफ़ी पॉपुलर हो रहा है उससे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते भी हैं और उनकी वेबसाइट रैंक भी हो रही है। लेकिन अगर आपने मोर ऑथेंटिक मोर नेचुरल टू द पॉइंट और इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो उसके लिए आपको एक ह्यूमन राइटर ही हायर करना पड़ेगा। उसका ये होता है कि ह्यूमन राइटर जो पॉइंट्स और जो आइडियाज़ और जो सेंटेंसेस जो इस तरह लिख सकता है वो एक एआई राइटर नहीं लिख सकता। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक ह्यूमन राइटर से अगर आप खुद लिख सकते हैं तो खुद लिखें, अगर आप ह्यूमन राइटर हायर कर सकते हैं तो हायर करें, अगर आप नहीं कर सकते आपके पास बजट नहीं है तो फिर आप एआई की तरफ जाएँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो कंटेंट सर्च वीडियो थी जो हमारी, उसमें हमने पैनासोनिक टोस्टर ओवन
के बारे में कॉन्टैक्ट सर्च किया था, तो ये सारे रिसोर्सेज मैंने अभी भी ओपन की हुई हैं ताकि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हुए अगर कोई मुझे कोई प्रॉब्लम आए या मैं मज़ीद कोई पॉइंट सर्च करना चाहूँ तो मैं दोबारा इन पे आ सकूँ। तो लेकिन उससे लेकिन प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए कॉन्टैक्ट सर्च करते हुए मैंने ये कुछ बुलेट पॉइंट बनाए थे, तो फिलहाल मैं इन्हीं की हेल्प से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है या कोई मैं किसी मज़ीद चीज़ में को रिसर्च करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा वापस अपनी रिसोर्सेज की तरफ चले जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये मेरे लिए काफ़ी हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। आपके पास सारा डाटा मौजूद है, आपने सिर्फ इसको आप कंटेंट में कन्वर्ट करना है, आप सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने वर्ड्स में अपने सेंटेंसेस में इसको लिखें ताकि एक तो ये इसकी प्लेजरिज्म भी ना आए गूगल में और दूसरा जो रीडर है उसको फील हो कि वाकई एक अच्छा फ्रेश कंटेंट लिखा गया है, तो वो जो बाद में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपकी जो प्रोडक्ट है उसको जाके अमेजोन पे चेक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या जी, अब अफोर्डेबल है, लाइट वेट है और कम्पैक्ट है, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करता हूँ। पैनासोनिक फ्लैश एक्स इज एन अफोर्डेबल एंड लाइट वेट टोस्टर ओवन विद प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल। इट डज नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस ऑन योर काउंटर टॉप बट पैक्स अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड फंक्शंस। अब ये जो फर्स्ट लाइन है या फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें हमने थोड़ा सा पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस जो टोस्टर ओवन है उसका बैकग्राउंड दिया है कि एक अफोर्डेबल ऑप्शन है होम के लिए और अफोर्डेबल होने के साथ साथ ये लाइट वेट है और इसके अंदर जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो जिस प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल है, तो यानी कि जब आप कोई भी फूड इसको बेक करने के लिए या कुक करने के लिए ओवन में रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उस फूड के अकॉर्डिंगली उस चीज़ के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को ये सेंस करता है, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रिसाइज टेम्परेचर एडजस्ट करता है ताकि आपका जो आइटम है कोई भी फूड आइटम है केक है या कुकिंग है वो परफेक्टली बेक होती है। वो उसका ना वो क्या कहते हैं कि ना वो रॉ रह जाती है ना वो ओवर कुक होकर बर्न हो जाती है। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज जो है वो प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल है। तो आप कोशिश करेंगे जो उसका मेन पॉइंट है आपके जो प्रोडक्ट के उसको आप फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन कर दें। जैसे मैंने मेंशन किया ये एक तरह से इसकी इंट्रोडक्शन होगी, तो साथ में इसके मैंने इसके जो दो तीन मेन पॉइंट थे जो दो तीन मेन इसके सेलिंग पॉइंट हैं वो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन कर दिए। जो उसमें क्या जो अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है, आप इजिली इसको परचेज कर सकते हैं, लाइट वेट और कम्पैक्ट है, लाइट वेट है, हल्का और कम्पैक्ट है, छोटा ओवन है जो आप किसी भी जगह रख सकते हैं तो जगह कवर नहीं करेगा, आपके जो स्पेस है किचन में उसको कंजेस्टेड नहीं करेगा, सही है। तो फिर अभी हमने कवर करना है इन तीन पॉइंट्स को, सही, इन तीन या चार पॉइंट्स को इस कवर करना है। उसके बाद हम कैसे करेंगे, द 1300 वाट्स ओवन कुक्स 40% faster than your ordinary oven thanks to the double infrared ray heater. You don't need to preheat it as well. It instantly heats up and cooks your food in no time. अब ये देखिए हम जो नेक्स्ट थ्री या फोर पॉइंट्स थे उनको हमने इस वीडियो इस सेकेंड पैराग्राफ में कवर कर दिया। द 1300 वाट्स ओवन इसका जो पावर कंजप्शन है 1300 वाट्स है, तो इस तरह ये बाकी जो ओवंस हैं किसी की 1800 वाट्स होती है, किसी की 1600 वाट्स होती है, किसी की 2000 वाट्स होती है, उनके मुकाबले में इनकी पावर इसकी पावर कम है। लेकिन इस कम पावर का ये भी एडवांटेज है कि ये इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो कम होगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो रीडर है USA में या UK में वो जो उसको रेट कर रहा है तो उसको इंस्टेंटली ये ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि 1300 वाट्स पावर मीन्स कि इसकी जो पावर कंजम्पशन कम है, एनर्जी बिल्स हैं वो इसके कम हैं। तो
उसके बाद हम लिखा जी 40% फास्टर देन ऑर्डिनरी ओवर। ये एक ऑर्डिनरी ओवर नहीं ओवन नहीं है, ये बाकी ओवन के निस्बत 40% फास्टर है। क्यों फास्टर है 40% बाकी ओवन की निस्बत? क्योंकि इसके अंदर डबल इंफ्रारेड रे हीटर है। सिंगल हीटर अगर ये होगा तो ये नॉर्मल रेट से कुक करेगा, लेकिन इसके अंदर डबल इंफ्रारेड हीटर है तो ये 40% फास्टर जो नॉर्मल ओवन है जिनके अंदर सिंगल इंफ्रारेड हीटर है तो उसकी निस्बत ये 40% फास्टर है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ प्रिपेयर करनी पड़ जाती है या आपको सख्त भूख लगी है तो आप चाहते हैं कि फ़ौरन कोई चीज़ बेक या कुक करके मैं खा लूँ, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ओवन है क्योंकि ये इंस्टेंटली ऑलमोस्ट 40% फास्टर। मसलन एक ओवन आपको कोई 10 मिनट में ये बना के देगा तो ये आपको 6 मिनट्स में बना देगा। तो ये इसका ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसको आपको पहले से हीट नहीं करके रखना नहीं पड़ता। अब जैसे ही उसके अंदर कोई आइटम कुकिंग के लिए डालें तो ये इंस्टेंटली हीट हो जाता है और आपका जो फूड आइटम है उसको फौरन ये कुक कर देता है। ठीक है, तो ये दो इसके बहुत बड़े पॉइंट हैं जो आपने मेंशन करने हैं। थर्ड में हम क्या करेंगे उसके बाद हम ये नेक्स्ट जो उसके फीचर्स हैं उनको कवर करेंगे। 6 मेनू आइटम्स मेक दिस ओवन एक्सट्रीमली इजी टू यूज। 6 मेनू आइटम्स विद मार्क बटन्स मेक दिस ओवन एक्सट्रीमली इजी टू यूज। यू कैन ब्रिंग इट होम एंड get going without wasting any time. However, some people do prefer ovens with knobs instead of buttons. अब नेक्स्ट इसका फीचर क्या है जी, इसके साथ 6 मेनू आइटम्स हैं। 6 ऑटो मेन्यूज, कि इससे पहले ही इसके पास 6 ऑटो मेन्यूज हैं तो उसको भी जाके आप इंस्टेंटली अपना फूड कुक कर सकते हैं। और 6 मेनू आइटम के साथ क्लियरली मार्क बटन है जो आपको बताते हैं कि इस मेनू आइटम का पर्पज़ क्या है। तो उसके अंदर क्लियरली स्टेटेड है, क्लियरली मेंशन है, क्लियरली मार्क है उन बटन्स के ऊपर। हर मेनू आइटम का अपना बटन है, उसके ऊपर क्लियरली मार्क है कि इस मेनू आइटम का पर्पज़ क्या है। तो क्या है कि ये ओवन बहुत ही ईजी टू यूज़ है इवन फॉर द एब्सोल्यूट बिगनर्स। आप इसको घर लेके आएँ और आप फौरन कुकिंग शुरू कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको उसको सीखना नहीं पड़ता इसको आपने कैसे चलाना है, इसको आपने कैसे रन करना है। हर चीज़ क्लियरली मार्क्ड है, हर चीज़ क्लियरली रिटन है, हर चीज़ ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो आप उसको घर लेके आएँ और फौरन इसको आप चलाना शुरू कर दें। तो ये एक इसका मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए इसका एक फीचर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सम पीपल डू प्रेफर ओवन विद नॉब्स इंस्टेड ऑफ बटन। कुछ ज़्यादातर लोग नॉब्स प्रेफर करते हैं, यानी उसको बटन प्रेस करने के बजाय उस नॉब को घुमाएंगे तो हर चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। तो ये कुछ लोगों के लिए ये इसका बेनिफिट है, कुछ लोगों के लिए ये इस ओवन का डिसएडवांटेजेस है। तो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मेंशन कर दिया कि बटन्स क्लियरली मार्क्ड इसमें मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि नॉब्स हो इंस्टेड ऑफ बटन। तो ये इसका फर्स्ट जो माइनर डिसएडवांटेज है वो हमने इसमें मेंशन कर दिया नेचुरली। नेक्स्ट आपने क्या करना है, बाकी पॉइंट्स की तरफ हम आते हैं। द ओवन फीचर्स अ स्मॉल सेंसर दैट मेंटेन्स द परफेक्ट टेम्परेचर एंड की फ्रॉम बर्निंग बाय ऑटोमेटिकली टर्निंग द हीट ऑन एंड ऑफ। द ऑटो ऑन स्लैश ऑफ फंक्शन ऑल्सो स्विचेस ऑफ द ओवन व्हेन कुक टाइम इज ओवर helping you while overcooking, while overcooking.
अब ये जो हमारा 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ है, इसमें हमने बाकी फीचर्स कवर किए हैं कि इसके अंदर स्मार्ट सेंसर है जो परफेक्ट टेम्परेचर मेंटेन करता है। पहले जिसका इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा मेंशन किया कि प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल ये कैसे मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्मार्ट सेंसर। तो स्मार्ट सेंसर मेंटेन द परफेक्ट टेम्परेचर उसका मेंटेन करता है फूड का, और उसको बर्निंग से ये ऑटोमेटिकली सेव करता है। कैसे सेव करता है कि जब जैसे ही फूड आपका कुक होता है, जैसे आप सेंसर जब डिटेक्ट करता है कि फूड कुक हो गया है, इसको मज़ीद कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली हीट जो है वो टर्न ऑफ कर देता है। लेकिन अगर वो सेंस करता है कि आपने ओवन बंद कर दिया है लेकिन अभी उसमें कुकिंग की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो उसको वो ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। तो इस तरह वो परफेक्ट टेम्परेचर मेंटेन करता है और आपको फूड जो है वो परफेक्टली कुक होता है ना, उस पर कोई ज़्यादती नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, तो एक डिलीशियस आपके लिए रेसिपी बन जाती है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो सेंसर के बाद इसमें एक और चीज़ है, ऑटो ऑन ऑफ फंक्शन है। इसके अंदर ऑटो ऑन ऑफ फंक्शन है कि जैसे ही आपका कुक टाइम जो उसमें आप 10 मिनट या 5 मिनट या 6 मिनट एडजस्ट करते हैं, वो जैसे ही वो कुक टाइम पूरा होता है तो आपका ओवन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस तरह भी ओवर कुकिंग आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, ऑटोमेटिकली स्विच होने से अक्सर आप फूड कुक करने के बाद ओवन शट ऑफ करना भूल जाते हैं, तो जैसे ही आपका कुक टाइम पूरा होगा ओवन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा और आपके इस तरह एनर्जी बिल्स भी रिड्यूस होंगे। तो इसके हमने नेक्स्ट फीचर कवर कर दिए। उसके बाद अनदर नाइस फीचर इज द कनेक्टेड बेकिंग रैक। इट हेल्प्स यू कीप योर फिंगर्स एंड हैंड्स सेफ फ्रॉम द हीट बाय ऑटोमेटिकली पुलिंग ऑफ एज सून एज यू ओपन द डोर। Bright interior light displays everything going on in the oven while you are cooking your favorite food. अब नेक्स्ट इसमें क्या है जी, कि इसका एक और बहुत अच्छा फीचर है कि कनेक्टिव बेकिंग रैक है। बेकिंग रैक क्या होता है कि अब ओवन खोलते हैं तो उसके अंदर जो नीचे रैक होता है जिससे आप ऊपर अपना आइटम रखते हैं उसको कुक करते हैं, तो उसके अंदर कनेक्टेड बेकिंग रैक है। उसका एडवांटेज क्या है कि जैसे आप डोर ओपन करते हैं तो बेकिंग रैक ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो उससे क्या, इसका बेनिफिट क्या है कि आप आपके जो हाथ और उंगलियां हैं, फिंगर्स और हैंड, वो आप उसको हीट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको हीट नहीं लगती, वो बर्निंग से बच जाते हैं। क्योंकि आप डोर ओपन करेंगे रैक बाहर आ जाएगा तो आप उधर ही अपना आइटम उसके ऊपर रख सकते हैं, आप वो ओवन के अंदर अपने हैंड लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो उसमें आपके हैंड और फिंगर वो आप हीट से बच जाते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर एक और क्या बेनिफिट है कि इसके अंदर ब्राइट इंटीरियर लाइट है। तो जैसे ही आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो लाइट ओपन हो जाती है तो आपको सब कुछ देख सकते हैं कि ओवन के अंदर क्या वो हो रहा है, आपका आइटम ओवर कुक तो नहीं हो रहा, आपका आइटम बर्न तो नहीं हो रहा। तो भी एक बड़ा नाइस फीचर है कि आप ओवन शट डाउन किए बगैर आपको सब कुछ अंदर देख सकते हैं कि ओवन के अंदर हो क्या रहा है। तो ये इसके हमने चार कुछ फीचर कवर कर दिए। उसके बाद हमने इसके 2-3 मेजर ड्रॉबैक्स कवर करने हैं। तो उसका मेजर ड्रॉबैक क्या है, ओनली 25 मिनट्स ऑफ बेकिंग टाइम। ठीक है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द ओवन इज ओनली 25 मिनट्स ऑफ बेकिंग टाइम। ठीक है, इफ यू वांट टू बेक समथिंग longer you have to complete the 25 minute cycle and reset all over again. Similarly, the interior is quite small according to some customers. तो मेजर ड्रॉबैक इसका क्या है जी, 25 मिनट्स ऑफ बेकिंग टाइम है सिर्फ। इससे ज़्यादा आप कोई चीज़ बेक करना चाहते हैं तो वो आपका पहला बेकिंग टाइम जो बेकिंग साइकिल है 25 मिनट्स का, उसको कंप्लीट करेंगे और दोबारा से ऑल ओवर आप नए ज़ीरो से दोबारा बेकिंग साइकिल नया स्टार्ट करेंगे। तो ये एक तरह से इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है यूएस या यूके के लोग जो है ना काफ़ी इन चीज़ों को, उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, तो दोबारा से बेकिंग टाइम स्टार्ट करना उनके लिए काफ़ी हैजल है।
तो काफ़ी लोगों ने, जो मैंने कंटेंट सर्च किया उसके अंदर मैंने रिव्यूज़ रीड किए, तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एक प्रॉब्लमेटिक उनके लिए है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप बेकिंग कर रहे हैं 25 मिनट बाद ओवन शट डाउन हो जाता है, आपको दोबारा से नया रिसाइकल स्टार्ट करना पड़ता है बेकिंग का। तो उससे बजाय वो प्रेफर करते हैं कि बेकिंग कंटिन्यू रहे विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है अकॉर्डिंग टू सम कस्टमर्स के ये कम्पैक्ट ओवन तो है, लेकिन कम्पैक्ट ओवन का फिर डिसएडवांटेज क्या है कि इसका इंटीरियर जो है वो काफ़ी स्मॉल है, उसके अंदर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं रख के एक टाइम रख के उसको बेक नहीं कर सकते ज़्यादा चीज़ों को, तो ये भी एक इनका डिसएडवांटेज है। ये हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया, हमने सारे फीचर्स और इसके डिसएडवांटेज हमने कवर किए। नेक्स्ट हम थोड़ी सी इसका एक बॉटम लाइन दे देंगे जिसको आप कह सकते हैं कंक्लूजन, ठीक है। आर पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस इज एन इन एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव येट एन एक्सीलेंट बेकिंग ओवन फॉर होम। It does have its some shortcomings, but its advantages easily outnumber its disadvantages. Therefore, You should give it a try. तो ये व्यूअर्स हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कम्प्लीट हो गई है। इसमें हमने पहले उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हमने तीन उसके फीचर्स कवर किए, उसके बाद हमने उसके ड्रॉबैक्स कवर किए, फिर लास्ट में हमने थोड़ी सी बॉटम लाइन या कंक्लूजन दे दी। अब हम नेक्स्ट देखें कि ये काफ़ी लेंथी एक वॉल ऑफ टेक्स्ट बन गई है, वॉल ऑफ पैराग्राफ बन गई है। रीडर इस तरह के कॉन्टेंट को रीड करना पसंद नहीं करते, ऑलमोस्ट 271 वर्ड्स है। तो उसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को हेडिंग्स में डिवाइड करें। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद आप इसको कर दें फीचर्स, जहाँ पर फीचर्स के बाद एंड हो रहे हैं उसके बाद आप इसको कर दें ड्रॉबैक्स। ये आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और लास्ट में आप इसको बॉटम लाइन कर दें। अब देखें कि पैराग्राफ में डिवाइड करने के बाद, हेडिंग में डिवाइड करने के बाद ये जो आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है मच मोर रीडेबल हो गई है, मच मोर अट्रैक्टिव हो गई है अपने जो आपका व्यूअर है उसके लिए। तो उसको ऐसी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को रीड करना लोग पसंद करते हैं। तो बेशक ये लेंथ थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन इसको आपने पैराग्राफ हेडिंग में डिवाइड कर दिया है, तो अब जो भी रीडर आएगा वो डायरेक्ट फीचर पढ़ना चाहेगा फीचर पढ़ेगा, ड्रॉबैक्स पढ़ना चाहेगा ड्रॉबैक पढ़ेगा, डायरेक्ट बॉटम लाइन पढ़ना चाहेगा तो बॉटम लाइन पढ़ेगा। बॉटम लाइन में हमने बताया कि एक्सपेंसिव और एक्सीलेंट ओवन है, इसके कुछ मसाइल हैं, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल इसके जो एडवांटेजेस हैं इसके डिसएडवांटेजेस से बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना चाहिए, देयरफॉर यू शुड गिव इट अ ट्राई, इसको आपको इसको चेक करना चाहिए। तो बॉटम लाइन एक तरह से आपका वो कहते हैं सेलिंग पिच है, इसको आप अच्छे तरीके से लिखें ताकि जो आपका व्यूअर है रीडर है वो जाके अमेज़ोन पे इसको चेक करे। तो ये व्यूअर्स हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन थी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से पहले ये मानने पैनासोनिक टोस्टर ओवन हमने 10 प्रोडक्ट्स लिखनी है, तो ये नंबर 1 है। उसके ऊपर आप थोड़े से एक मेन हेडिंग दें बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एट होम। इन हेडिंग्स का फ़ायदा क्या है, तो आपका कंटेंट रीडेबल हो जाता है बोथ फॉर गूगल एंड रीडर। दूसरा आप यहाँ पर हेडिंग्स में अपनी कीवर्ड एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि पूरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने कहीं भी कीवर्ड यूज़ नहीं किया, कि कहीं भी नेचुरली कीवर्ड यूज़ नहीं हो सकता था या मैंने नहीं करना नहीं चाहता था। तो कीवर्ड यूज़ करने की सबसे बेस्ट प्लेस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। आपके जो प्रोडक्ट पे जो हेडिंग होती है पैनासोनिक टोस्टर ओवन, उसके बाद आप इसके साथ इसको थोड़ा सा अपना कीवर्ड डालने लगा दें बेस्ट चीप ओवन फॉर बेकिंग एट होम। तो उससे फिर ना क्या क्या होता है कि ना सिर्फ आपका कीवर्ड एडजस्ट हो जाता है, बल्कि जो रीडर आता है उसको यहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि ये पैनासोनिक टोस्टर एक्सप्रेस ओवन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये चीप ओवन है, बेस्ट चीप ओवन फॉर होम। इससे चीप ओवन फॉर होम जो है आपको अपने घर के लिए इतना सस्ता ओवन और इतना अच्छा ओवन आपको अपने घर के लिए नहीं मिल सकता। तो ना सिर्फ आप अगर आपका कीवर्ड एडजस्ट हुआ, बल्कि आपने अपने जो रीडर है
उसको पूरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले आपने इसको छोटा सा आइडिया दे दिया कि इसका पर्पस क्या है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जी, ये बेस्ट चीप ओवन फॉर बेकिंग एट होम है, तो उसको आप हेडिंग टू करें। उसके बाद आपने थोड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, ये आप अपने देख लें कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। तो फिर तो ये आपको जो होगा ये हेडिंग थ्री। ये मैं पूरी फॉर्मेटिंग आपको जब इस फॉर्मेटिंग की वीडियो में समझाऊंगा, तो मैं इधर वैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसको आप नंबर वन करते हैं। तो अब ये बुलेट पॉइंट्स है, लेकर कुछ लोग इसको स्पेसिफिकेशंस का हेडिंग देकर उसके अंदर लिख देते हैं, लेकिन इसके लिखना चाहें तो बेहतर है, ना भी लिखना चाहें तो उतना इश्यू नहीं है, तो उसको आप डिलीट कर दें। तो ये आपका पूरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, जो आपकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हेडिंग है उनको आप हेडिंग फोर कर दें, तो ये पूरी एक हायरार्की आपकी बन जाएगी, पूरा एक अच्छी तरह से आपका आर्टिकल साथ फॉर्मेट भी हो जाएगा। ये पूरी फॉर्मेटिंग इसकी स्पेशल वीडियो है, मैं उसमें बताऊंगा, लेकिन एग्जांपल देने के लिए तो आपकी एक मेन हेडिंग है H2 बेस्ट होम्स और बेकिंग एट होम। उसके बाद आपने पहला अपना जो प्रोडक्ट है टोस्टर ओवन फ्लैश एक्सप्रेस, उसको आपने कवर किया, उसकी हेडिंग F3 हो जाए, H3 हो जाएगी, H2, H3 और H3 के अंडर फिर आप H4 हेडिंग्स अपनी दे देंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की वीडियो कि आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, होपफुली आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैम आपको पूरा अच्छी तरह जवाब देने की कोशिश करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें खुर्रम साहब ने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट करते वक्त किन किन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए, और उन्होंने हर एक चीज़ को वाजे तौर पर जो है ना आपको करके दिखाया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है ना इस वीडियो को देख के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के हवाले से बहुत सारे जो आपके कॉन्सेप्ट थे क्लियर नहीं थे वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन स्टिल अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं और खुर्रम साहब दोनों आपको जो है ना अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों से ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।